सविता जी, मैं समझता हूँ ये आपके लिए कितना कठिन है, लेकिन क्या आप कृपया हमें अनीश के बारे में कुछ बता सकते हैं? आप लास्ट कब मिले थे उनसे, उनके बारे में कुछ बताएंगे? वो बहुत अच्छा बच्चा था, खुश मिजाज था शुरू से ही। वो जिस किसी से भी एक बार मिल ले तो लोग उसको अपना बना लेते, वो सबको अपना बना लेता था। वो इंजीनियर बन के वो MBA करने बाहर जाना चाहता था, जॉब करने लगा था। इतना खुश मिजाज था वो, सबको अपने दिल में बसा के रखता था। सब सारे लोग बहुत प्यार करते थे उससे, और वो अपने आप को अभी घूम के भी आया और सबसे बोलता था, दादा दादी से, हम सबसे, कि हम लोग आप लोग को लेके गो दुबई चलेंगे, आप लोग घूमिएगा। उसे काफी शौक भी थे हर चीज के। और सविता जी, आप अनीश से लास्ट कब मिले? लास्ट टाइम मई में ही मिला मैं मिली हूँ मैं, 4 तारीख, 3 तारीख को वो आया था इधर मेरे पास मिलने। मेरी एनिवर्सरी थी तो वो मेरे से मिलने आया, और 5 तारीख को चला गया था वो। 9 तारीख को उसकी फ्लाइट थी गोवा की, वो चला गया था, सॉरी गोवा नहीं, दुबई गया था वो। और हमें बताया गया है कि वो शायद वापस आपके पास कुछ ही दिनों में या शायद कुछ ही महीनों में आने वाला था। वो आने वाला था, मिलने आने वाला था, मेरे से बात किया, बोले कि मम्मा आपके लिए मैं गिफ्ट लेके आया हूँ दुबई से, चॉकलेट और खजूर लेके आया हूँ, तो मैं आऊंगा आप लोग को देने, और जल्दी ही आने वाला हूँ। लेकिन वो हो नहीं पाया, उसने मेरे बच्चे की जान ले ली, मेरे बच्चे मुझसे दूर हो गए, उसने मेरे बेटे की जान ले ली और मुझसे दूर कर दिया उसको। अब कभी नहीं मिल पाऊंगी मैं उससे।